स्वागत है आपका हमारे प्री पढ़ाई के यूट्यूब चैनल में। हमने पिछली वीडियो में फिफ्थ क्वेश्चन तक कर लिया था। इससे आगे के क्वेश्चन के लिए हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो है, छठा क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। वो बड़ा से बड़ा नंबर आपको पता करना है जिसको जब 70 और 125 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, वो आएगा 5 और 8। इट मीन्स 70 जो है ऑलरेडी 5 एक्स्ट्रा है और 125 जो है वो ऑलरेडी 8 एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले हम 70 में से 5 माइनस कर देंगे। 70 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, 65। क्या आएगा, 65। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका 125 में से हम 8 माइनस कर देंगे। 125 में से 8 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 170। यानी कि ये दो नंबर मिल गए आपको रिमाइंडर माइनस करने के बाद, एक्चुअल नंबर। अब क्या करना है आपको, 65 और 117, यानी कि 65 और 117 का एलसीएम निकाल देना है। क्या निकाल देना है, 65 और 117 का एलसीएम निकाल देना है। जिन्होंने पहले एलसीएम निकाला होगा उनको पता होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पता तो आप बेसिक वीडियो मुझे बताइएगा, मैं बना दूंगा। 65 जो है आपका वो हो जाएगा 5 × 13। क्या हो जाएगा, 5 × 13। ओके। और 117 जो है आपका वो हो जाएगा आपका 3 × 3 × 13। इन दोनों में आप देखेंगे कि सिर्फ 13 कॉमन है। क्या कॉमन है, 13 कॉमन है। तो इसका जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा आपका, 13 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो 13 ही वो नंबर है जिससे जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, रिमाइंडर 5 और 8 आएगा। यानी कि सिक्स का ऑप्शन जो है वो आपका ए 13 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है आपका, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 15/400 विल टर्मिनेट, कितने डिजिट बार टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, इस क्वेश्चन में जो हमारा डिनोमिनेटर होता है यानी नीचे का जो हर होता है उसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 400 का तो आपका आएगा, 2 से करेंगे 200 आएगा पहले, फिर एक बार 2 से करेंगे तो 100 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 50 आएगा, फिर अगेन 2 से करेंगे तो 25 आएगा, उसके बाद आप 5 से करेंगे तो 5×5=25 आएगा, उसके बाद फिर 5 से करेंगे तो 5×1=5 आएगा। तो इसकी पावर जो है आपकी 2^4 और 5^2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2^4 और 5^2, ये आपका डिनोमिनेटर का हो जाएगा। और आपको पता होगा कि इसमें जो मैक्सिमम पावर होता है वही आंसर होता है, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, टर्मिनेट आफ्टर फोर डेसिमल प्लेस। अगला है आपका 6370 जो है वो आपका 2^m, 5^n, 7^k एंड 13^p है। और आपको निकालना है कि m+n+k+p जो है उसकी क्या वैल्यू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको 6370 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 6370 का, तो पहले 2 से करेंगे तो 2 से ये आपका जाएगा 3185 टाइम में। कितनी बार में जाएगा, 3185 टाइम में। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो अब इसको 5 से करेंगे तो ये 5 से जाएगा आपका 637 टाइम्स में। अब ये आपका 7 से जाएगा, 7×9=63, 7×1=7। अब किससे जाएगा, फिर से 7 से जाएगा, 7×7 13 टाइम्स में। अब ये किससे जाएगा आपका, 13 की टेबल से जाएगा। यानी कि जब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 2^1 × 5^1 × 7^2 × 13^1। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ रही है, देखिए 2^m था यानी m की वैल्यू आपकी 1 हो गई, 5^n था यानी n की वैल्यू आपकी 1 हो गई, 7^k था यानी k की वैल्यू आपकी 2 हो गई, और 13^p है यानी कि p की वैल्यू आपकी 1 हो गई। और आपको निकालना है इन सबको ऐड करके। तो इन पावर्स को जब आप ऐड कर देंगे तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, 5। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, लीस्ट नंबर आपको निकालना है जो कि डिविजिबल होगा ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 5। यानी इस केस में क्या करना है आपको, 1 to 5 एलसीएम लेना है। तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपने लिख दिया 2, 3, 4 और 5। तो पहले 2 की टेबल से करेंगे तो 2×1=2, 3×3 उतर जाएगा, 2×2=4 और 5×5 उतर जाएगी। उसके बाद फिर से 2 की टेबल से करेंगे तो 2×2=2, 3×3 उतर जाएगा, 2×1=2 और 5।
अब जो सिंगल सिंगल रह गया तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो वो लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा जो सबसे डिविजिबल हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60, तो इसका आंसर क्या है आपका 60। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखिए आपके जो ऑप्शंस है वो कुछ ऐसे हैं, हाँ आपके ऑप्शंस है 7/18, 13/21, 8/200 और 16/225। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा जो है 2 और 5 के टर्म्स में आते हैं। तो जब आप 18 को सॉल्व करेंगे तो 18 डिनोमिनेटर, जब इस डिनोमिनेटर को आप सॉल्व करेंगे 18 को, तो ये आपका आएगा 2 × 3 की पावर 2, क्या आएगा आपका 2 × 3 की पावर 2, यानी ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जब आप 21 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 × 7, यानी ये भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जब आप 200 को सॉल्व करेंगे तो 200 जो है आपका क्या आ जाएगा, 200 को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 200 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए 200 लिख दिया यहाँ पे हमने, 2 से 100 टाइम में गया ये, फिर 2 से ये 50 टाइम में गया, फिर 2 से ये 25 टाइम में गया, फिर 5 से 25 जो है 5 टाइम में गया, और 5 से 5 जो है वो 1 टाइम में गया, यानी 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ये जो है 2 और 5 के फॉर्म में आ गया, यानी कि ये वाला डिजिट जो है ये 8/200, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, इसका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम सभी क्लासेस के MCQ अपलोड करेंगे, अभी हमने 10th से शुरू करा है, अभी थोड़े दिन में हम 12th की भी वीडियो चालू करेंगे, अभी हमने मैथ की चालू करी है, अभी साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी, हम सबकी सभी PDF को अपलोड करेंगे आपके साथ, तो हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।